हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास चौथान और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक कंबाइंड एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें से एक है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, तीन पोस्ट के लिए यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो इस वीडियो में मेन फोकस होगा वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर होगा और बाकी के जो दो और पोस्ट हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा वरना। तो बेसिकली जो नेट एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है या फिर लेक्चरर्स के लिए है। ठीक है, ये पीएचडी के लिए नहीं है, तो आप पीएचडी का ना सोचे, इसमें पीएचडी के लिए नहीं है, क्योंकि पीएचडी के लिए जो आईसीआर है वो एक अलग एग्जामिनेशन करवाता है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां पे एक पीएचडी का अलग एग्जामिनेशन है, ये सिर्फ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है। दूसरी बात, जो ये टेस्ट होगा ये टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड का होगा। ठीक है, पूरा ऑनलाइन मोड है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं हम इसको। तो इसके बारे में हम कुछ बातें यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा कि नेट एग्जामिनेशन 2021 है, यहाँ पे इस किस पोस्ट के लिए है, पोस्ट ऑफ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। अगली चीज देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। आपका इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी होना चाहिए एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में। यहाँ पे आपको अलग अलग डिसिप्लिन्स मिलेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इस तरीके के बहुत सारे डिसिप्लिन्स में दिए, आपको उन पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करना है, देखना है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर हम इसकी फीस की एग्जाम फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड होते हैं जनरल कैटेगरी में, 1000 रुपीज़ फीस होगी। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर ओबीसी के होते हैं उनकी 500 रुपीज़ है। लड़कियों के लिए खास करके वुमेन के लिए 250 है, एंड एससी एसटी इंक्लूडिंग में 250 रुपीज़ की इसकी फीस है। ठीक है, अगली चीज़ देखो, एग्जामिनेशन का प्लान अगर आप देखोगे तो एग्जामिनेशन में कम से कम आप देखते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम यहाँ पर सिर्फ 120 मिनट का होगा। तो आप मान के चलिए टाइम लिमिट आपकी कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन पैटर्न है यहाँ पे, इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 50% रहेंगे। मीन्स अगर 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपको 75 मार्क्स लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो मिनिमम 75 मार्क्स में काम चल जाता है आपका। ठीक है, अगली चीज, इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्क्स होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और कोई राउंड ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। अगली चीज़ देखो, ये कई सारे डिसिप्लिन्स हैं, मैं इसमें स्पेसिफिकली आज बात करूँगा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की। जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के हैं यहाँ पे, उनके लिए एग्जामिनेशन के लिए देखो मास्टर्स डिग्री तो चाहिए। क्या क्या डिसिप्लिन साथ में हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी, और स्पेशलाइजेशन यहाँ पे प्लांट बायोटेक का होना चाहिए। मीन आपने प्लांट बायोटेक पढ़ी भी होनी चाहिए, ये इसमें जरूरी है। अब इसके सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं तो एक चीज मान के चलिए, इसका 60-70% सिलेबस आपका सीएसआईआर नेट जैसा ही होता है। ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स इसमें सीएसआईआर नेट जैसे ही हैं और काफ़ी पोर्शन इसमें आपको उसके जैसे मिलेंगे। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं, वो आपको थोड़ा और रिफ़र करना पड़ेगा। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सीएसआईआर से बहुत हल्का है। अगर आप सीएसआईआर लेवल का एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस उसके कंपेरिजन में बहुत हल्के आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो इसको पढ़ने का तरीका होगा वो आपको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। इसमें काफ़ी वाइडली आपको पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज आपको होना जरूरी है। बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें आते हैं कंपेरेटिवली। तो सिलेबस को एक बार गौर करते हैं। देखो, जो पहली यूनिट है सेल बायोलॉजी की है, एग्जैक्टली सिमिलर सिलेबस है सीएसआईआर नेट जैसा। देखते हैं इसमें, देखो जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल ऑर्गेनली हो गई, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गॉल्जी एपरेटस, और सेल साइकिल का रेगुलेशन हो गया, प्रोटीन सिक्रीशन, इसका टारगेटिंग, ये तो आप देख सकते हैं कंबाइंडली पूरा का पूरा नेट जैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल एंड मेटाबॉलिज्म, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सब कुछ सीएसआईआर नेट जैसा ही आपको मिलेगा, कुछ अलग आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर आपने सीएसआईआर नेट में काफी अच्छे लेवल की पढ़ाई की है तो इसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको हल्का सा रिवाइज करके ही जाना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखो इसमें, मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, जैसे कि एचएमपी,
HMP शंट सिट्रिक एसिड साइकिल और मेटाबॉलिक रेगुलेशन हो गया इसका, फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सब कुछ वैसा ही है यहाँ पे। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे देखो, जैसे कि एंटीवायरल कंपाउंड्स, ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है जिसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा या कोई स्टैंडर्ड बुक से इसके रिफर कर सकते हैं। अब एंजाइमोलॉजी देखिए, एंजाइमोलॉजी आप जो एंजाइम सेक्शन पढ़ते हैं सीएसआई नेट में, बिल्कुल वैसा ही है इसमें। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पे दी है वो है जो एंजाइम का, जैसे कि एसे हो गया, आइसोलेशन हो गया, प्योरिफिकेशन, ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन बेसिक से काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें उतने स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं जो आप सोच रहे हैं सीएसएन नेट के लेवल के होंगे, तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है, इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है यहाँ पे, बहुत ईजी चीजें हैं यहाँ पे भी देखिएगा, जैसे जीन का कॉन्सेप्ट हो गया, एलिल्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, जीन का आइसोलेशन आपको पढ़ना है, स्प्लिट जीन्स पढ़ना है, एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ी हैं, सीएसआई नेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये सब कुछ दिया हुआ है। एग्जैक्टली साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हो गया, ट्रांसपोजिशन, इसके बारे में बहुत ईजी टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं। फिर देखिए जीन एक्सप्रेशन, ये भी पूरा सीएसआई नेट वाला ही है यहाँ पे। देखो किसका कॉन्सेप्ट है, एनहेंसर का कॉन्सेप्ट, एक्टिवेटर, रिप्रेसर, को एक्टिवेटर, सब कुछ सीएसआई नेट जैसा है यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक कोड हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, इसका कंट्रोल, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, सारी चीजें वैसी ही हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, इसके लिए आपको टेक्निक बुक पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि आप विल्सन एंड वॉकर को इसमें रिफर कर सकते हैं, विल्सन एंड वॉकर, उसमें से आपको काफी पोर्शन मिल जाएगा, ऑल दो सीएसआई नेट में ये भी दिया हुआ है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड का आइसोलेशन वैसा ही है सेम। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सदर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यून रिस्पॉन्स, मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, एलाइजा, डीएनए सीक्वेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ जीनोमिक डीएनए, सीडीएनए लाइब्रेरीज, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो उसके लिए आप जो सीएसआई नेट है उसका सेक्शन बी के क्वेश्चंस टारगेट करिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस वहां पे नहीं आएंगे। सेक्शन बी जो होता है सीएसआई नेट का, लाइफ साइंस का, उससे क्वेश्चंस आपको उसके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं जीन क्लोनिंग, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पूरा वही है। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे आता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, पीएसी, वाईएसी, बाइनरी वेक्टर्स, एक्सप्रेशन वेक्टर, जीन क्लोनिंग, सब क्लोनिंग विद स्ट्रेटजीज, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमल क्लोनिंग, बायोलॉजी, रिस्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर ही हैं। आगे देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नाम अलग दिया हुआ है तो वही जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का बायोसिंथेसिस, आरएनए प्रोसेसिंग, पोस्ट आरएनए मॉडिफिकेशन, सब कुछ वैसा ही है। अब ये पोर्शन जो है यहां से, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर और प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये पोर्शन थोड़ा स्पेसिफिकली प्लांट बायोटेक का होता है, ठीक है। तो इन तीन यूनिट्स के लिए, यूनिट नंबर 9, 10, 11, यूनिट नंबर 9, 10 और 11, इसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड प्लांट बायोटेक की बुक पढ़नी है, ठीक है। प्लांट बायोटेक की बुक उठाइए एक मास्टर्स लेवल की, उसको एक बार रीड करके देखिए, ये सारी चीज आपको समझ जाएंगे। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे फोटो रेगुलेशन हो गया, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आप पढ़ सकते हैं इसमें दिया होगा, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको एक प्लांट बायोटेक की स्पेसिफिक बुक से मिल जाएंगे। टिश्यू कल्चर में चलते हैं, तो टिश्यू कल्चर पे आप देख सकते हैं काफी इजी टॉपिक है ये हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिक टेक्निक्स होती हैं इसमें, ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेशन, क्लोनर प्रोपोगेशन ये आपने पढ़ा होगा, हाइब्रिड एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो रेस्क्यू हो गया, साइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हो गई, म्यूटाजेनेसिस हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, टिश्यू कल्चर रिपोजिटरी, ठीक है। प्लांट बायोटेक की बुक लीजिए, उसमें ये आपको सब मिल जाएगा। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये चीज काफी मिलती जुलती होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, लेकिन इसको हम स्पेसिफिकली प्लांट में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए जीन ट्रांसफर के मेथड्स यहाँ पे आपको देखने, डायरेक्ट मेथड्स, वेक्टर बेस्ड मेथड, जिसमें कि आप जो क्या कहते हैं बाइनरी वेक्टर्स के बारे में पढ़ते थे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज रेजिस्टेंस, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, स्टोरेज, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लास्ट वही है मॉलिक्यूलर मार्कर्स और जीनोमिक्स, ये पार्ट भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड बायोटेक की बुक में मिल जाएगा। मैं आपको रिफर करूंगा, आप इसमें टीए ब्राउन पढ़ लीजिएगा, टीए ब्राउन में ये काफी अच्छा दिया हुआ है इसके बारे में,
आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मॉलिकुलर मार्कर्स बेसिकली ये किसका टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ही आ जाता है। तो जैसे मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता सीएसआर नेट से है, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप लाइफ साइंस के भी स्टूडेंट हैं जो सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन काफ़ी ईजी है। ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ आपको 50% यहाँ पे टारगेट करना है पेपर में, इजीली आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी कुछ नई अपडेट्स के लिए। कुछ और एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।